गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपको 10th चैप्टर इंग्लिश सेकंड का 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आप में कुछ कुछ वर्ड्स के पहले आपने ए एन द ये सब तो पढ़ा ही होगा, उन्हीं को कहते हैं आर्टिकल्स। मतलब आपके ए एन द जो होते हैं वही आपके आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ए एंड द आर्टिकल्स आर यूज टू पॉइंट आउट थिंग्स, पर्सन, एनिमल्स और प्लेसेस। ठीक है, ए एंड द जो होते हैं यही आपके आर्टिकल्स होते हैं। जैसे मैंने बताया, आर्टिकल्स का यूज किसी भी थिंग्स को या पर्सन को, एनिमल को या जगह को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। आर्टिकल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आते हैं, ए और एन। ठीक है, ए और ए एन एन। और डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आते हैं, द। अब देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। दे आर कॉल्ड एज इनडेफिनेट बिकॉज दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अभी इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन आते हैं और उनका यूज कैसे होता है वो हम देखते हैं। ए एन का यूज किसी भी सिंगुलर काउंटेबल, मतलब कोई भी काउंटेबल नाउन जो होते हैं उनके साथ, उनसे पहले ही यूज किए जाते हैं। मतलब कोई भी काउंटेबल नाउन हो, कोई भी काउंटेबल नाउन हो उसके उससे पहले आप ए एन, ए एंड एन यूज़ किए जाते हैं और उन्हीं को हम इनडेफिनेट कहते हैं। क्योंकि डू नॉट, दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर, क्योंकि ये, क्योंकि वो जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, थिंग्स के बारे में नहीं बता रहा है। ठीक है, इसलिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज रीडिंग अ लेटर, मैं एक पत्र पढ़ रहा हूँ। राघव इज एन इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, राघव जो है वो अपनी कक्षा का सबसे बुद्धिमान लड़का है। ही लाइक्स टू हैव एन एग, उसे एग, उसके पास एग है और उसे पसंद है। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, अब हम यूज़ ऑफ ए एंड एन, यूज़ ऑफ ए एंड एन के बारे में पढ़ेंगे कि ए का यूज़ कैसे कर सकते हैं और एन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विद अ कंसोनेंट। ए का यूज़ हम वहाँ करते, कोई भी सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं। ए का यूज़ हम किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, मतलब बी सी डी एफ जी एफ, मतलब जो भी आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं उनसे स्टार्ट हो, उनसे पहले जो भी कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं, मतलब जैसे कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड हो गया, जैसे बॉय, बॉय का बी जो हो गया वो कॉन्सोनेंट है और बॉय जो है एक वर्ड बन गया। ठीक है, बॉय जो है वो आपका एक वर्ड बन गया और बी जो है वो एक लेटर है, वो भी कॉन्सोनेंट लेटर है। तो इससे पहले हम ए यूज़ करेंगे, मतलब किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर से पहले हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, ए इज़ ऑल्सो यूज विद द वर्ड दोज बिगेन विद अ वॉवल बट हैव कॉन्सोनेंट साउंड। ए कुछ कुछ वॉवल्स के साथ भी ए का यूज़ होता है, मतलब कोई भी वर्ड जैसे हो गया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये भी एक मतलब हो गया साउंड, यू से ही स्टार्ट हो रहा है, पर यहाँ पे भी हम ए का ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ना ये बोलने में कॉन्सोनेंट का यूज़ होता है हमारा। जैसे हम बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो हम यू का यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अब देखते हैं हम एन का यूज़ कहाँ होता है। एन का यूज़ होता है किसी भी वॉवल साउंड से। ठीक है, कोई भी वॉवल साउंड से, जैसे ऑरेंज, एलिफेंट, आइसक्रीम, एरो, अम्ब्रेला, आवर, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन, एमएलए,
एप्पल, आंट, ये सब जो है आपके वोवेल साउंड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने ए एन का यूज किया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, डेफिनेट आर्टिकल्स आपका दा होता है। ठीक है, दा जो होता है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। तो दा इज डेफिनेट आर्टिकल्स, इट इज यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन। दा जो होता है, जैसे मैंने अभी बताया, डेफिनेट आर्टिकल है और ये किसी भी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हो। जैसे I found the pen which you lost yesterday. जैसे मैं, मुझे एक पेन मिला जो कि तुम कल खो चुके हो। ठीक है, मुझे एक पेन मिला जिसे तुम कल खो चुके हो। तो हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर पेन के बारे में बात किया, जो कल खोया हुआ है पेन वही मुझे आज मिला है। दा जो होता है वो सिंगुलर के साथ भी यूज होता है और प्लूरल के साथ भी यूज होता है। जैसे द बुक्स यू वर स्कॉल्डिंग यस्टरडे आर अब्सेंट टुडे। ठीक है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, और कुछ सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले भी दा का यूज किया जा सकता है। किसी भी कोई जितने आपके सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं उनसे पहले भी आपका दा का यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, किसी भी कॉमन नाउन से पहले यूज कर सकते हैं। किसी होल क्लास के बारे में बात कर, होल मतलब बहुत सारे ग्रुप के बारे में बात करें तो भी हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद किसी भी जानवर के बारे में बात कर सकते हैं हम। हॉली स्क्रिप्चर्स द मतलब यहाँ पे किसी भी बुक्स के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे द बाइबल, द गीता, जितनी भी बुक्स होती है, हॉली बुक्स होती है, जितनी पवित्र बुक्स होती है, हम उनके बारे में भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद कोई भी यूनिक थिंग्स होता है हम उसको भी कर सकते हैं। उस यूनिक थिंग से पहले भी हम, जैसे द सन, सन जो हो गया वो यूनिक है तो हम उसकी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मून, मून चांद भी तो सब जानते हैं कि चांद तो एक ही है, पर्टिकुलर है, तो हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी भी ट्रेन या शिप के बारे में अगर बात होती है तो वहाँ पे जैसे कोई संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, तो इनके नाम के आगे भी हम दा का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और कोई भी मॉन्यूमेंट हो गया या बिल्डिंग्स हो गए उस पर भी हम दा का यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का जो ग्रुप होता है, जैसे द इंडिया बोल सकते हैं हम, हाँ इंडिया, द यूके और द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, मतलब इन, मतलब कोई भी कंट्री का भी नाम लेते हैं तो उससे पहले भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। किसी मॉन्यूमेंट का हो गया, चाहे किसी का, किसी बिल्डिंग्स का हो गया। ठीक है, वाटर बॉडीज, जैसे किसी भी वाटर का हो गया, मतलब नदियों का हो गया, द इंडियन ओशियन या फिर द गंगा, द यमुना, मतलब किसी भी पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पे हम द का यूज़ किया जा सकता है। अब एक्सरसाइज 10.1 पे आइए, 10.1 में देखिए क्या दे रखा है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन एन और द, आपको यहाँ पे ए एन और द का यूज़ करके इसे फिल करना है। जैसे माय अंकल इज एन आर्टिस्ट, मेरे अंकल जो है वो कलाकार हैं, तो यहाँ पे एन कर देंगे हम। फिर दे रखा है द लॉयन, लॉयन है तो यहाँ पे द ही होगा, द लॉयन एंड ए रैबिट हैव एनिमिटी। फिर उसके बाद एन एंट इज वेरी हार्ड वर्किंग इंसेक्ट, मिस्टर शर्मा इज ए ऑनरेबल मैन, ही कैम हर अराउंड हाफ एन आवर, ही सॉल्व एन ईजी क्वेश्चन। ठीक है,
यहाँ पे हमने ए एन द का यूज़ किया, फिर नेक्स्ट में भी यही दे रखा आपको ए एन द का ही यूज़ करना है। तो चलिए उसे भी देखते हैं। गिव मी अ बुक यू आर रीडिंग यस्टरडे, मुझे वो बुक दो जो तुम कल पढ़ रहे थे, तो ए हो गया। एन ऑस्ट्रिच इन द जू, एन यहाँ पे द होगा, गिव मी द बुक, क्योंकि ये यहाँ पे पर्टिकुलर बोल देना जो तुम कल पढ़ रहे थे वही बुक मुझे चाहिए, इसने पर्टिकुलर बोल दिया है। तो यहाँ पे द ऑस्ट्रिच इज इन द जू, तो यहाँ पे भी द आ जाएगा। आई लाइक अ रोज एंड आई लाइक अ रोज एंड नहीं आई लाइक अ रोज द किंग ऑफ फ्लावर, द आ जाएगा यहाँ पे। फिर द मून इज स्मॉलर देन द अर्थ, यहाँ पे द ही आ जाएगा दोनों में। द बीज रिवर फ्लोज इन हिमाचल प्रदेश, द रामायण इज द होली बुक फॉर द हिंदूज, तो यहाँ सब पे द ही आएगा। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आ गया हो आपको। इसके बाद देखिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स दे रखा है, मतलब द का यूज़ यहाँ पे भी करना है। तो चलिए देखते हैं, जैसे आर्टिकल द इज नॉट यूज इन द फॉलोइंग कंडीशन, कुछ फॉलोइंग कंडीशन पे हम द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट बिफोर प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम द का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे जनवरी ट्यूसडे ये सब क्या है आपके नाउन्स है, इससे पहले हम द का यूज़ नहीं कर सकते। फिर बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन से पहले भी हम यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी टाइटल नाउन से पहले भी नहीं कर सकते जो कि कॉम्प्लीमेंट में यूज़ किया जा रहा हो, उस पर भी हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, 10.2 देखिए, एक्सरसाइज आपकी 10.2 है, उसे देखिए। द फॉलोइंग सेंटेंस हैव नॉट बीन एडिटेड, इंसर्ट ए एन और द वेर एवर नेसेसरी एंड री राइट दैम। यहाँ पे आपको कुछ एडिटेड दे रखे, मतलब कुछ सेंटेंस दे रखे, उसमें ए एन द का यूज़ नहीं किया गया है जो कि आपको करना ज़रूरी है और आप करेंगे और उसे दोबारा लिखेंगे भी। अब जैसे फर्स्ट दे दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ पॉपुलर न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो पॉपुलर न्यूज़पेपर, तो इसमें आपको ए एन द का यूज़ करना, तो आप कैसे करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ द पॉपुलर न्यूज़पेपर। ठीक है, या फिर हम ऐसे ही लिख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ ए पॉपुलर न्यूज़पेपर। फिर यहाँ पे फर्स्ट आपको करके दिखाया हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ पॉपुलर न्यूज़पेपर दे रखा है आपको, उसको कन्वर्ट किया आपने ए एन द का यूज़ करके किया है, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ ए पॉपुलर न्यूज़पेपर। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिए, एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, तो द एलिफेंट इज एन स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, पुअर आर ऑफ्टन कंटेनेंट, ठीक है, तो यहाँ पे हम ए एन द का यूज़ करना है। फिर ऐसे माय सिस्टर इज़ एम एल ए, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे, मतलब ये जितने फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखे इन सभी में ए एन द का यूज़ करके आपको दोबारा लिखना है। ठीक है, फिर सेकंड देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, आपको ये जो फिलअप है इसे फिल करना है, उसके बाद दोबारा आर्टिकल्स लिखनी है। ठीक है, जैसे सी अबाउट डैश मैंगो एंड डैश मैंगोज वर स्वीट, मतलब इसमें आपको इसके अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे सी अबाउट अ मैंगो, तो यहाँ पे ए मैंगो डाल देंगे,
द मैंगोज वर स्वीट. ठीक है. द सन राइजेज इन अ सन राइजेज इन द ईस्ट. द ताजमहल वॉज बिल्ड बाई शाहजहाँ. माई ब्रदर हैज बीन शिफ्टेड टू अ न्यू स्कूल. मनीष इज द क्वाइट चाइल्ड. What a beautiful dress. What to advise is enough. The book you gifted me is lost. ठीक है. ऐसे आपको ये appropriate करके fill करने हैं. फिर थर्ड देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल. सेम ऐसे ही ये भी करना है आपको, जैसे बी है वैसे ये भी आपको करना है. फिर आपको दे रखा है रीराइट द स्टोरी आफ्टर इंसर्टिंग आर्टिकल्स एट द राइट प्लेस. ठीक है. मतलब आपको यहाँ पे आर्टिकल्स को यूज़ करके नहीं दिया, आपको सेंटेंस लिख के दिया, आपको इसे दोबारा लिखना है और सेंटेंस में ए एन द का यूज़ करके लिखना है. जैसे थॉमस अल्वा एडिशन, तो यहाँ पे हम ये हम सभी को पता है थॉमस अल्वा एडिशन कौन है, जो बल्ब का आविष्कार किया था वही है. तो ये पर्टिकुलर हम नाम पर पड़ गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द थॉमस अल्वा एडिशन, वन ऑफ अ ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ऑफ ऑल टाइम्स. Was born in the small town in the Ohio. His teacher said that Edison was slow learner, but his mother thought differently. In 1869, he improved machine. Called the ticker. He gave so many invention which changed life of a common man. He was the hardworking man who devoted his entire life to discover the new things. ठीक है. ऐसे करके हमें इन सेंटेंस को दोबारा लिख रहे हैं आर्टिकल्स का यूज़ करके. ठीक है. तो होपफुली इतना आपको समझ में आ गया हो. ठीक है. 10th चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है. 11th चैप्टर आपका वर्ब है, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं. आज के लिए इतना काफ़ी. थैंक यू वेरी मच क्लास. हैव अ नाइस डे. ओके. थैंक यू.